वैसे तो फर्रुखाबाद ने महादेवी जैसी उच्च कोटि की कवियत्री दी है, ताबा जैसा शायर दिया है। जिसे हम जोश मलिहाबादी कहते हैं वे भी कायमगंज के ही थे, लेकिन इनमें से किसी की भी पहचान फर्रुखाबाद से नहीं है। ऐसा एक शख्स है जिसका तखल्लुस है फर्रुखाबादी, लेकिन शायद ही कोई इनसे परिचित हो। कहते हैं वो कौमें जो अपने अतीत को याद नहीं रखती, उन्हें आने वाली नस्लें भूल जाती है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम एक ऐसे शायर की बात करने जा रहे हैं जिसके गीत गजल कव्वाली नातियां सुन लोग नहीं अघाते। अफसोस तब होता है जब ऐसे शायर की एक तस्वीर इंटरनेट पर ढूंढे नहीं मिलती। जानते हैं वह शख्स कौन है? वो है अनवर फर्रुखाबादी। गीतकार अनवर फर्रुखाबादी फना का जन्म मोहल्ला नखास फर्रुखाबाद में 1928 में हुआ। अच्छे भविष्य के लिए वे बंबई प्रस्थान कर गए। अनवर ने बॉलीवुड में गीतकार के रूप में अनवर फर्रुखाबादी के नाम से पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनवर ने बॉलीवुड में लगभग 2000 गाने लिखे। उनके गीतों को मोहम्मद रफी, मन्ना डे, पंकज उधास, शंकर शंभू और साबिर बंधुओं के अलावा लगभग सभी गायक व गायिकाओं की आवाजों में शामिल किया गया। लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीत हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले है आदि अनेकों गीत आज भी लोगों की जबान पर है। अनवर ने मरसियां भी लिखी जिन्हें शमशाद बेगम व यूसुफ ने गाया। ये गजल ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कुसूर है स्माइलिंग फेस, नुसरत फतेह अली खां फरहान सईद ने बखूबी गाया, आज भी बड़ी इज्जत के साथ गाया जाता है। सन 2011 में अनवर फर्रुखाबादी 82 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। उन्हें यहां नखास कब्रगाह में सुपुर्द खाक किया गया।